हेलो एवरीवन वेलकम बैक डे सिक्सटी फोर पर आ गए हैं और एल्जब्रा के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन हंड्रेड डेज ऑफ जी एडवांस की प्रैक्टिस में एल्जब्रा के एलेवन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो प्रोबेबिलिटी uh, पर बेस्ड है पीएनसी का कंसेप्ट लग रहा है तो यहाँ पर फाइव गर्ल्स और टेन बॉयज़ बैठे हैं और रेंडमली बैठे हैं किसी रो के अंदर जिसमें फिफ्टीन चेयर्स है वन से फिफ्टीन नंबर तो टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फिफ्टीन फैक्टोरियल अब इसमें बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एंड्स हो वहां पे गर्ल्स बैठी हो और बाकी भी जो गर्ल्स है किसी भी दो गर्ल्स के पीछे बीच में ऑर्ड नंबर ऑफ बॉयज हो तो मान लो यहाँ पे ए बॉयज 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 हैं हैं पे है, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी बॉयज हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये टेन आना चाहिए जहां पर ए बी सी डी जो भी है ये ऑर्ड नंबर होंगे है ना इनके इस तरफ तो आएंगे नहीं बॉयज तो बेगर से सोच सकते हैं तो ए अगर टू के वन प्लस वन हो जाए b 2K2 plus 1, c 2K3 plus 1, और d 2K4 plus 1. K1, K2, K3, k4 अपन कोई भी ले लें तो वो ग्रेटर टू जीरो सिक्स बनेगा और तो टू जो है उससे डिवाइड हो जाएगा तो के वन से लेकर के फोर का सम आएगा ये आ जाएगा टेन माइनस फोर अपॉन टू यानी कि थ्री अब इन थ्री को बेगर से बांट दे तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसके बीच में कितने बॉयज हैं अभी गर्ल्स बॉयज को बिठाए नहीं है बस देख रहे हैं कहा बॉयज बैठेंगे कहा गर्ल्स बैठेंगे तो तीन चीजें चार बैगर में बांट सकते हैं थ्री प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन एक बार ये डिसाइड कर लिया अब इन पांचों प्लेसेस पे जहां गर्ल्स है गर्ल्स बैठ जाएंगी बाकी के टेन जगह बॉयज बैठ जाएंगे अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल था नेक्स्ट पे आते हैं फंक्शन काउंटिंग करनी है ए से ए मतलब वन से टेन है इनपुट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन और इसी तरह यहाँ पर जो ए टू ए जा रहा है मतलब इधर भी वन टू थ्री फोर इस तरह से चलता जाएगा टेन तक अब फंक्शन इस तरह से बनाना है कि जब अपन उसको ज्वाइन करें तो एक ही हमारे पास मिनिमा है और कोई मैक्सिमा नहीं है ऑन टू जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर पे वैल्यू वन है

तो यहाँ पर क्या क्या केस हो सकते हैं जैसे आपने टू पे मिनिमा रखा है, वन फिक्स कर दी। तो अब यहाँ पर इसके केस में क्या होगा? आप दे दो जैसे आपने थ्री दे दी तो ये इधर से ऐसे नीचे कनेक्ट हो गया तो अब थ्री से लेकर टेन के अंदर वैल्यू लगातार बढ़नी चाहिए तो जो वन और थ्री के अलावा रिमेनिंग वैल्यू है टू फोर फाइव सिक्स एट सेवन एट नाइन टेन वो इसको मिल जाएगी थ्री को टू 4 को थ्री फाइव को फोर फिर सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे तो इस तरह से हो वन को तरीके से कर सकते तो यहाँ पर अपने पास उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन आ जाएगा नाइन सी फिर अगर मान लो आपके पास थ्री पे मिनिमा है तो उसको वन रख दिया आपने तो इधर वन और टू के पास ऑप्शन है होंगे असेंडिंग ऑर्डर में बाकी सारे अपने आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे तो इन दो को चुन लो तो नौ में से कोई भी टू चूज कर लो बड़ा वाला वन को दे दो छोटा वाला टू को फिर अगर मान लो फोर पे मिनिमाइज की वैल्यू वन है तो यहां वन टू थ्री के पास चूज करने के लिए नौ में से तीन ऑप्शन है डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको दे देंगे थ्री पीछे जो बचेंगे आपके पास छे वो अपने आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे तभी एक मिनिमा आ पाए। फिर आप के लिए आएगा नाइन सी फोर ऐसे चलते जाएंगे टेन पे वन नहीं लेना टेन पे वन लोगे तो फिर मिनिमा आएगा ही नहीं ऐसे ही बन जाएगा नाइन पे वन लेंगे तो इधर वन से एट के पास सेलेक्ट करने के लिए नाइन सी एट ऑप्शन होगा तो ये फेवरेबल फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो टेन से टेन में जा रहे हैं एक के पास से 9 का सम हो, से, तो K 9 हो जाएगा या आ जाएगा 2 की पावर नाइन माइनस टू नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो इसके अंदर एक यहां पे मिसप्रिंट है तो मॉड z माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस होगा ये अलग से है

x माइनस थ्री का दोनों तरफ स्कवायरिंग कर लेंगे स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू तो x वन का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो यहाँ से अगर अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इधर तो हमारे पास आ जाएगा इसके केस में नाइन माइनस वन होता है एट सिक्स एक्स माइनस टू एक्स होता है फोर एक्स तो सही लिखा है ऐसा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू ऐसे चार लाइन्स आ जाएगी आपके पास ऐसे यहाँ भी सॉल्व करोगे x minus थ्री का स्क्वायर square less than equal to x minus फाइव का स्क्वाई स्क्र तो ट्वेंटी हटाएंगे तो आएगा 16 और 10X minus 6X होता है 4X. तो यहां से आपके पास आ जाएगा x less than equal to 4. तो इसको कंबाइन कर लें तो x जो आ रहा है वो हमारा 2 से 4 के बीच में आएगा फिर अगर y की बात करें तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x square plus y minus वन का स्क्वायर to x square plus y plus वन square इस तरह से

तो ये कुछ इस तरह से सारे के सारे यूनिटी आ गए ले ले तो ऐसे आ जाएंगे जेड माइनस वन ये आपका ए वन वाला रूट फिर जेड माइनस ए टू फिर माइनस ए थ्री इस तरह से तो मॉड जो होता है ए वन ए टू का मतलब होगा ए वन और ए टू के बीच की लेंथ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका मतलब हो गया एल्फा वन माइनस एल्फा टू का मॉड इसका मतलब हो गया एल्फा वन माइनस एल्फा थ्री का मॉडल लास्ट वाले का मतलब हो गया एल्फा वन माइनस एल्फा एन का मोड तो मुझे यहाँ वन रखना है पर अभी डायरेक्टली वन रखूंगा तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा तो इसको डिवाइड कर दो पहले डिवाइड करने पर यह एंड टर्म्स की जीपी हो जाएगी वन जेड जेड स्क्वायर से लेकर के जेड की पावर एन माइनस ये आ जाएगा जेड माइनस एल्फा टू जेड माइनस एल्फा थ्री से लेकर के जेड माइनस एल्फा एन माइनस वन एन माइनस अब आप यहाँ पे z को वन पुट करके मॉड ले लो तो राइट साइड में वन माइनस एल्फा टू वन माइनस एल्फा थ्री ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर अगर, अगर, अगर अपन z को वन रखेंगे तो वन प्लस वन एड होता रहेगा एन टाइम्स तो b की वैल्यू आ जाएगी n के बराबर इधर देखे तो यहाँ पर ए वन ए टू ए स्क्वायर ए टू स्क्वायर तो मतलब ये ऐसा हो गया वन माइनस ई की पावर आई होटा टू के पाए बाय इसके मॉड का स्क्वायर है और ये समेशन चल रहा है के बराबर वन से एन माइनस वन तो इसको जनरल टर्म के फॉर्म में लिख दिया मैंने तो मॉड का अपन स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस टू के पाए बाय प्लस सॉरी माइनस आयोटा साइन टू के पाए बाय मॉड लेके स्क्वायर करने से पहले अपन यह फैक्टर कर सकते हैं तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर के पाए बाय और माइनस में आयोटा में आ जाएगा टू साइन के पाई बाय कॉस के पाई बाय हाफ एंगल लगा दी तो यहाँ जब अपन इस पर मॉड लगाएंगे

और लिमिट जो जाएगी इसकी ये जाएगी के बराबर वन से एन माइनस वन तो वन का समेशन तो आ जाएगा आपके पास एन माइनस वन और कॉस टू के पाई बाई एन जो है वो इन सारे के सारे रूट्स के रियल पार्ट का समेशन हो गया अब जेड की पावर एन बराबर कोफिशियंट ही नहीं है यानी कि सम ऑफ ऑल रूट्स जो है जितने भी रूट्स हैं उनका सम जीरो होगा तो सबके सब रियल पार्ट का सम भी जीरो होगा तो वन कॉस टू पाई बाय फोर पाए सिक्स पाई बाय से सबका सम जो आएगा ये जीरो आएगा पर इसके अंदर आप के वन से रख रहे हो तो इसके अंदर एक वन मिसिंग है तो सारे कॉस का सम जो है यहाँ जीरो जाता लेकिन इसके अंदर एक टर्म वन मिसिंग है तो इसलिए यहाँ माइनस वन आ जाएगा तो एन माइनस वन में से माइनस वन हटा देंगे तो ये एन बन जाएगा टू टाइम्स एन तो ए बाई बी आ जाएगा आपके पास टू एन अपन एन जिसकी वैल्यू टू तो के बराबर होगी कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट पे आते हैं तो ये लॉजिकल सवाल है आपको इसकी ट्रेस निकालनी और ट्रेस जो होगी वो के होगी उसके प्राइम फैक्टर कितने ये बताना है तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता होना चाहिए और ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब यूनिक डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अल्फा, बीटा डेल्टा बीटा मतलब दो टू डिजिट नंबर जिनकी यूनिट डिजिट सेम से में बीटा उनका प्रोडक्ट गामा 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 आ रहा है गामा 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 वन 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 टू 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 थ्री 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 नाइन 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 कुछ भी हो सकता है तो क्या होगा वो केस लेके सोचना पड़ेगा जैसे वन 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 तो ये थर्टी सेवन इंटू थ्री है तो आप इसको टू टू डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकते ये थर्टी सेवन इंटू थ्री इंटू टू है यहाँ भी आप टू डिजिट नंबर नहीं बना सकते थ्री थर्टी थ्री है तो ये थर्टी सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री है अभी भी नाइन इंटू थर्टी सेवन नहीं बन रहा आप फोर 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 ले लो तो ये वन 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 इंटू फोर लिखोगे फिर थर्टी सेवन इंटू थ्री इंटू फोर आएगा अभी भी आप ऐसे दो टू डिजिट नंबर नहीं ढूंढ पाओगे जिनकी यूनिट डिजिट सेम आए बीटा बीटा ऐसे आपको केस लेते जाने नाइन 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 में अपन को फाइनली मिलेगा आप इसको वन 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 इंटू नाइन लिखोगे फिर थर्टी सेवन इंटू थ्री इंटू नाइन लिखोगे तो थर्टी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन ये नाइन 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 आ जाएगा मतलब ये सेवन आपका बीटा हो गया एल्फा आपका थ्री हो गया डेल्टा आपका टू हो गया और गामा आपका नाइन हो गया तो थ्री टू सेवन नाइन इन सब का अपन सम करेंगे तो के ट्वेंटी वन आ जाएगा इसके दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं थ्री और सेवन तो आंसर इसका किसके बराबर आ जाएगा टू के बराबर आ जाएगा तो ये आपका हो गया इसका नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन ऐसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये केले हेमिल्टोनियन थ्योरम पर बेस्ड है तो इसमें एम और एन थ्री क्रॉस टू टू क्रॉस थ्री मीट्रिक्स है तो ये इनका प्रोडक्ट है तो अब एम एन में जो आपके पास अब यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि ए मेट्रिक है अगर अपन ए माइनस लेमडाइज करते हैं तो लेमडा के अंदर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है केले हेमिल्टोनियन थ्योरम के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो इसके अंदर जो इक्वेशन बनती है सम ऑफ रूट्स इसका ट्रेस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका डिटर्मिनेंट होता है तो जैसे इसमें आप बनाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एट माइनस लेमडा फिर टू माइनस टू फिर आ जाएगा टू फाइव माइनस लेमडा फोर फिर आ जाएगा माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा फोर और साथ में आ जाएगा फाइव माइनस लेमडा अब जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो एट माइनस लेमडा है बाहर यहाँ बन जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस टेन लेमडा प्लस ट्वेंटी फाइव और फोर फोर जो सिक्सटीन इसमें से हटा देंगे फिर माइनस टू आएगा यहाँ पे। फिर से इधर सॉल्व करेंगे टू इंटू फाइव माइनस लेमडा और फिर माइनस माइनस एट और फिर से अपन अगला लेंगे तो माइनस टू और एट माइनस माइनस प्लस होता है तो टू इंटू फाइव माइनस टू इंटू लेमडा तो अब अगर अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा माइनस लेमडा क्यू प्लस एट लेमडा स्क्वायर प्लस टेन लेमडा स्क्वायर माइनस एट्टी लेमडा ऐसा प्लस में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव लेमडा टू हंड्रेड है ना कैलकुलेशन सही है अपनी माइनस लेमडा क्यूब एट लेमडा स्क्वायर फिर आ गया टेन लेमडा स्क्वायर माइनस एट्टी लेमडा माइनस ट्वेंटी फाइव लेमडा प्लस टू हंड्रेड और फिर अच्छा ये इस, इसको नाइन इस ही लिख सकता था मैं है ना तो ये आ जाएगा माइनस में सीधा सीधा अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस में नाइन लेमडा प्लस के अंदर आ जाएगा सेवेंटी टू इसको भी खोल देते हैं ये एटीन माइनस टू लेमडा तो माइनस थर्टी सिक्स और प्लस में फोर लेमडा और इधर भी एटीन माइनस टू लेमडा ही है तो माइनस थर्टी सिक्स प्लस में फोर लेमडा तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आई थिंक थर्टी सिक्स वाला पार्ट कैंसल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे माइनस लेमडा क्यू प्लस में एटीन लेमडा स्क्वायर और माइनस एटी वन लेमडा तो अगर अपन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें बन जाएगा स्क्वायर माइनस प्लस 18 तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो बेटा इसके जो लेमडा के होंगे पर एक लेमडा जो एक्स्ट्रा होगा वो ये होगा लेमडा बराबर जीरो जीरो आ रहा है इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये वाला लेमडा नहीं होगा तो इसके केस के अंदर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा ये सीबा ए से 81 वन बाई इसका डिटर्मिनेंट अपॉन 10 आ जाएगा और इंटीजर पार्ट आ जाएगा इसका 8 के बराबर तो ये वाली चीजें केले हेमिल्टोनियन थ्योरम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है तो ए और बी टू थ्री क्रॉस थ्री इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। है इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है ए का और बी का दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है अब ए आइड मेट्रिक्स आइडम्पोर्टेंट मीट्रिक्स का मतलब होता है कि ए स्क्वायर जो होगा ये ए के बराबर होगा अब ट्रिकी है इसलिए क्योंकि A 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अपन दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे तो ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए बराबर आई माइनस आई ट्रांसपोज नल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा एट ऑफ आई भी आई होता है उसमें से आई हटाओगे फिर से नल बन गया उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो प्लस एल तो एडजोइंट ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया है B, का जॉइंट ऑफ बी का डिफरेंशियन करेंगे तो टू साइनएक्स एक्स आएगा और साथ में आ जाएगा एल एन के अंदर साइन एक्स की पावर सिक्स ऐसा और नीचे अगर अपन करेंगे तो यह आ जाएगा ई e की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स इन टेन एक्स माइनस एक्स और इंटू में वन माइनस x अब ये लिमिट आपको निकालनी मैं ये आपको नहीं बताऊंगा मैं बस तरीका बता देता हूँ ये स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो टेन एक्स माइनस एक्स के लिए एक्स क्यूब चाहिएगा क्यों और कैसे वो आप ट्राई करो इसमें ई e की बार एक्स का सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू तो ये आगे सोचोगे साइन एक्स कॉसेक्स इसको साइन टू एक्स लिख सकते हो इसको टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और साइन एक्स की पावर सिक्स है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हो साइन एक्स की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अब आप ट्राई करके एल निकालेंगे वहां से आपके पास डिटर्मिनेंट भी आएगा तो मज़ेदार सवाल था नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट कॉचिश वॉर्स इन इक्वालिटी पर बेस्ड है तो अगर आपको कॉचिश वार्ड नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर मान लो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है और अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेड स्क्वायर तो यहाँ क्विशर्स लगेगा ये आपका ए ये बी और ये सी होगा और टेन ए टेन बी टेन सी आपका एक्स वाई और जेड हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन ए प्लस स्मॉल ए टेन बी प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन सी इस पूरे का जो होल स्क्वायर आएगा अपने पास इसके केस के अंदर ये आ जाएगा इंडिविजुअली इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ए का करो ए स्क्वायर फिर अब आप इसका कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर से इस तरह से इस तरह बन गया अब यहां पर ये वाली चीज तो एम ए के बराबर है तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा इसको सोल्व करोगे तो थ्री ए स्क्वायर और ये जो भी टेन वाला आपका एक्सप्रेशन आ रहा है ए स्क्वायर कट जाएगा तो एम स्क्वायर बाई थ्री टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी की मिनिमम वैल्यू हो गई जो ट्वेंटी सेवन के बराबर बोली तो एम स्क्वायर एटी वन आ जाएगा वहां से अपन मॉड एम निकाल सकते हैं ये कोची शर्स का था नेक्स्ट पे आते हैं इसके अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है मॉड ए मॉड बी वन होने चाहिए तो पैरालेलो पाइप जिसके को टर्मिनस एजेस दे रखे है ना बॉक्स ए बी सी लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स ए ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए क्रॉस बी तो इसका बॉक्स कैसे आएगा ये हो जाएगा ए क्रॉस ए क्रॉस बी और फिर डॉट में आ जाएगा बाहर ए क्रॉस ए क्रॉस बी दोनों सेम है तो ये बेसिकली बन जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर अब ए मतलब तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ही होगा मतलब ए क्रॉस बी लोगे तो ए के परपेंडिकुलर आता है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जहां थीटा एंगल है यूनिट वेक्टर होने चाहिए मैग्नीट्यूड के बिना नहीं निकाल पाएंगे थीटा, थीटा चाहिए वो यहां से तो आपके पास ये वाला जो पार्ट आएगा इसके केस में। ये जीरो आ जाएगा मतलब बेसिकली मॉड ए डॉट और मॉड ए क्रॉस भी बराबर हो जाएंगे तो थीटा फोर्टी फाइव हो जाएगा तो आंसर वन बाय टू आ जाएगा फिर वन प्लस टू निकाल सकते हैं तो मॉड देना चाहिए था इनको ए और बी का या था नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे जो इस कर्व के ऊपर है और जिन पे अगर टेंजेंट बनाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप क्या होता है डीवाई बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉसेक्स के बराबर अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप जीरो होगा मतलब कॉशेक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ये कहाँ होता है पाए थ्री पाए फाइव पाए पीछे भी आ सकता है माइनस पाए माइनस थ्री पाए सो ऑन तो ये सारी एक्स की वैल्यूज आ रही है अब से आप वाई की वैल्यू देखो जैसे अगर आप आ, यहां पर रखोगे इसके केस के अंदर मान लो आपने पाई रख दिया पाई प्लस पाई पाई प्लस ये है तो आपका वाई आ जाएगा यहां से पाई। इसके केस के अंदर थ्री पाई, रखोगे तो, थ्री पाई प्लस साइन थ्री पाई वो जीरो होता है साइन सब जगह जीरो आएगा तो ये सेम ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पर ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे हैं इनमें से एक भी वाई माइनस थ्री से थ्री के बीच में नहीं है तो आपको यहाँ पर एक भी पॉइंट इसके केस के अंदर नहीं मिल पाएगा जीरो पॉइंट आ जाएंगे फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं तो ये मैंने पहले आपको तरीका बताया था तो आंसर अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं हम ऑलरेडी मॉड्यूल वन में इसको सॉल्व कर चुके हैं तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन का जहाँ पर ए दे रखा है कॉस्ट टू पाए वन नाइन 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 फिर कॉस के अंदर फोर पाए वन नाइन 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 ऐसे कॉस्ट के अंदर सिक्स पाए वन नाइन 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 और लास्ट में अगर आप रखोगे यहाँ पे नाइन नाइनटी नाइन के साथ तो वहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट के अंदर डबल वन नाएन नाएन एट पाई वन नाएन नाएन। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको एक्स मानते हैं तो इसमें अपन थीटा कन्वर्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं साइन वाले ये जितने भी हैं इसके इनसे अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी साइन की पूरी सीरीज मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में सारे साइन टू थीटा बन जाते हैं तो साइन टू थीटा रगला वाला भी बन जाएगा आपके पास इसके केस के अंदर सेम साइन टू थीटा इस तरह लास्ट तक चलता रहेगा साइन टू थीटा ये आपका लेफ्ट साइड में हो गया अब राइट साइड में क्या रहेगा एक एक्स जिसकी वैल्यू निकालनी है वन था। टर्म्स थे तो टू की पार नाइन हंड्रेड नाइन एक्स्ट्रा आएगा और जो बाकी के साइन के टर्म्स थे जो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे वो सारे साइन के टर्म्स यहाँ पर एज इट इज रहेंगे इस तरह से पर होगा क्या ये जितने टर्म्स हैं उतने टर्म्स हैं और सेम है अभी आपको ढूंढना पड़ेगा जैसे अगर आप यहाँ टू पाई माइनस थीटा लगाओगे तो यही बनेगा और माइनस कॉमन आके ये कट हो जाएंगे ऐसे सारे टर्म्स यहाँ बारी बारी कट हो जाएंगे तो आपके पास अल्टीमेटली ये बनता है ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू की पावर नाइन 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 अब लॉग लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये एल्जेब्रा का सेशन था कल इंटीजर्स की लास्ट क्लास रहेगी और परसों से मोर देन वन स्टार्ट कर देंगे थैंक यू एवरी